जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज से हम लोग राजपूत डायनेस्टी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, प्री मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्री मेडिवल हिस्ट्री में बेसिकली जो राजपूत वंश है इसके बारे में पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ा था, उसमें तीन पार्टियां आपस में लड़ रही थी, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इसमें अगर हम गुर्जर प्रतिहारों की बात करें, ठीक, और अगर हम पालों की बात करें तो ये क्या रहे हैं? राजपूत वंश के रहे। ठीक, तो अब हमें पढ़ना है राजपूत राजवंश। इसमें हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, इसके बाद हम पढ़ेंगे पालों के बारे में, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो गढ़वाल वंश रहा है कन्नौज वाला, जयचंद, आपने नाम सुना होगा जयचंद का, ठीक। इसके बाद फिर चौहान वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, दिल्ली और अजमेर वाले, जिनका नाम आपने सुना होगा, उसी वंश के राजा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, जिनकी लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी के साथ। तराइन का युद्ध हुआ था 1191-92 में, दो युद्ध हुए थे। इसके अलावा हम परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, सोलंकी वंश है, तोमर वंश है, चंदेल हैं, ये सारे क्या रहे हैं? राजपूत वंश रहे हैं। ठीक, तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसके पहले हमें आज का जो टॉपिक है वो हमें ये पढ़ना है कि इन राजपूतों का उदय कहाँ से हुआ। वॉट इज दी ओरिजिन ऑफ राजपूत्स, मतलब इन राजपूतों का जो उदय हुआ है या उत्पत्ति कहते हैं हम इनको, ये कहाँ से हुई है? देखिए, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो अभी तक हमने प्राचीन भारत में जो भी वर्ण व्यवस्था देखी उसमें चार वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहीं पर भी राजपूत शब्द का नाम नहीं आया, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया था कि राजपूत भी एक जाति है। तो हमें यह समझना होगा कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई कहां से। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये राजपूतों की उत्पत्ति की थ्योरी क्या है, और इसमें अलग-अलग हिस्टोरियंस ने अलग-अलग बातें कही। कुछ ने ये कहा है, कुछ किताबों में ये कहा गया है कि ये अग्निकुंड से पैदा हुए, मतलब जो राजपूत निकले हैं ये किससे निकले हैं? अग्निकुंड से। कुछ लोगों ने इन्हें, कुछ हिस्टोरियंस ने इनको विदेशी माना है, और कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये हमारे देश के ही रहे। मतलब कि राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत अलग-अलग है, हर व्यक्ति ने अलग-अलग सिद्धांत दिए हैं। कुछ ने कहा कि अग्निकुंड से हुआ, कुछ ने कहा विदेशी हैं, और कुछ ने कहा देसी हैं। तो अब हमें यह देखना है कि किसने अग्निकुंड के बारे में बताया, किसने विदेशी के बारे में बताया, और किसने देसी के बारे में बताया, और उसके पीछे उन्होंने क्या कारण दिए। देखिए, हिस्ट्री में कोई भी चीज जब बताई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है, ऐसे ही कोई चीज नहीं बताई जाती। अगर आप ऐसे ही कोई चीज बताएंगे तो लोग आपसे ये पूछेंगे, भाई इसके पीछे का आधार क्या है? ठीक, तो वैसे ही राजपूतों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है इसके पीछे भी अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बात कही है, और उन्होंने अपनी थ्योरी को, जो उन्होंने थ्योरी दी है, जो अपना सिद्धांत दिया है, उसको जस्टिफाई भी किया है कुछ फैक्ट्स देकर के। तो हमें उसको भी पढ़ना है। ठीक, तो आज की हम राजपूत डायनेस्टी की जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ राजपूत। ठीक, तो अगर हम राजपूत की बात करें, ठीक, तो अगर हम बात करें संस्कृत में, ठीक है, जो राजपूत हैं, ठीक है, इसको बोला गया है राजपुत्र। मतलब ये जो राजपूत हैं इनको क्या बोला गया है? राजपुत्र। ठीक, तो राजपूतों के अगर हम बात करें तो इनको संस्कृत में क्या विख्यात रूप दिया गया है? राजपुत्र। ठीक, जो पहले के समय में आप याद करिए राजकुमार हुआ करते थे,
मतलब बेसिकली जो पहले के समय में अगर हम महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में जो राजा के बेटे हुआ करते थे उनको राजकुमार बोला जाता था। ठीक, तो राजकुमार जो हुआ करते थे वही राजपुत्र हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि राजा के बेटे हुआ करते थे तो उन्हीं को क्या बोला जाता था, राजपुत्र। तो ये जो राजपूत का जो वर्ड है, ठीक है, ये जो राजपूत वर्ड है संस्कृत में इसको कहा गया है राजपुत्र। ठीक, जो कि पहले के समय में राजकुमार हुआ करते थे। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्री मेडिवल टाइम पे अगर हम बात करें, ठीक है, जो प्री मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर बहुत सारे छोटे छोटे जो जागीरदार हुआ करते थे, जागीरदार मतलब जो सामंत हुआ करते थे, या हम जिसे कहें फ्यूडिट्रीज। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फ्यूडिट्रीज बनाए जाते थे। फ्यूडिट्रीज मतलब एक तरीके से जैसे एक पर्टिकुलर रीजन का, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो डिसेंट्रलाइजेशन का काम था ये गुप्ता एम्पायर से स्टार्ट हुआ था। ये क्या करते थे, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक व्यक्ति या किसी भी उसको एक फ्यूडिट्री अपना बना देते थे जिसको राजनीतिक और आर्थिक अधिकार उस पर्टिकुलर क्षेत्र के दे दिए जाते थे। ठीक, तो धीरे धीरे जब मध्यकाल आने लगा तो उस टाइम पर उनको भी राजपूत कहा जाने लगा। मतलब एक तरीके से वो भी क्या होने लगे, एक शासक वर्ग होने लगे। तो राजपूतों की संज्ञा जो बेसिकली देने लगी वो शासक वर्ग का पर्याय बन गया, मतलब इनको शासक वर्ग माने जाने लगा। ठीक, तो राजपूतों को एक तरीके से कहा जाए जो पहले राजपुत्र हुआ करते थे, या इनको पहले राजकुमार कहा जाता था, धीरे धीरे अब जो फ्यूडिटरीज होने लगे थे मतलब जो सामंत होने लगे थे उनको भी राजपूत कहा जाने लगा। और एक तरीके से राजपूत जो हो गया वो एक रूलिंग क्लास का पर्याय बन गया, मतलब इनको क्या माने लगा जाने लगा, एक रूलिंग क्लास। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें राजपूतों में, तो नाम जो राजपूत का था जिसका ओरिजिनली मतलब हुआ करता था प्रिंस, मैंने आपको बताया राजकुमार, पहले के समय में जो राजकुमार हुआ करते थे उनको प्रिंस बोला जाता था। ठीक है, और इनको एक संस्कृत वर्ड दिया गया राजपुत्र, मतलब ये राजपूत वर्ड कहां से निकला है, राजपुत्र से। ठीक है, जो कि राजकुमार का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो प्री मेडिवल एरा में जो मिलिट्री क्लास हुआ करता था, या जो स्मॉल लैंड ओनर्स हुआ करते थे, लैंड ओनर्स मतलब एक तरीके से कहा जाए जो सामंत हुआ करते थे। देखिए, सामंतों को क्या दिया जाता था, एक पर्टिकुलर लैंड दिया जाता था, तो जाहिर सी बात है वो फ्यूडिट्रीज क्या होंगे, उसके लैंड ओनर्स। ठीक, तो जो लैंड ओनर्स हुआ करते थे उनको भी क्या रेफर करने जाने लगा, राजपूत। ठीक, तो आपको राजपूत शब्द का मतलब समझ में आया। ठीक, और ये एक तरीके से रूलिंग क्लास का परिचय बन गए थे। ठीक है, मतलब राजपूतों को क्या बोलने जाने लगा, रूलिंग क्लास। क्लियर है, तो इसको क्या बोलने जाने लगा, रूलिंग क्लास। ठीक, अब अगर हम बात करें राजपूत वर्ग की, तो राजपूतों को बेसिकली देखिए जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं, ठीक है, इनके बीच आपस में एक दूसरे के प्रति डिसएग्रीमेंट रहा है। डिसएग्रीमेंट मतलब एक तरीके से विवाद रहा है। ठीक है, अलग हिस्टोरियंस अलग मानते हैं, अलग हिस्टोरियंस अलग मानते हैं। तो राजपूतों का जो उत्पत्ति हुई है इसके लिए हिस्टोरियंस ने तीन मत दिए। ठीक है, मतलब तीन मत जो है अलग अलग हिस्टोरियंस ने दिए। सबसे पहला मत था कि इनका ओरिजिन अग्निकुंड से हुआ है, फायर पिट। अग्निकुंड को क्या बोला जाता है, फायर पिट। तो पहला जो थ्योरी दी गई वो दिया गया इस बारे में कि भाई इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई। ठीक, दूसरे जो रहे हैं उन्होंने इनको विदेशी माना है, फॉरेन ओरिजिन वाले। ठीक, मतलब विदेशी वाले, मतलब उनको क्या माना है, राजपूतों को विदेशी माना है। और तीसरे जो हैं वो इनको देसी मानते हैं, इंडिजिनियस मतलब भारतीय मानते हैं, मतलब ये यहीं के रहे हैं। कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना था कि ये अग्निकुंड से पैदा हुए हैं, कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना था कि इन्होंने ये विदेशी मूल के हैं, विदेश से आए हैं, और तीसरे जो हैं वो इस बात को कहते हैं कि ये भारत के ही रहे हैं। तो अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बात कही है, इसीलिए राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के अमंग दी हिस्टोरियंस एक विवाद है।
कि किसकी बात को सही माना जाए। ठीक, हमें ये तीनों थ्योरीज पढ़नी है, हमें तीनों सिद्धांत पढ़ने हैं, क्योंकि हम किसी एक को सही या गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कोई एक वो नहीं है, क्योंकि सभी ने अपने अपने सिद्धांत अगर दिए हैं तो उसके पीछे कारण दिए हैं। जैसे अगर जो हिस्टोरियंस इनको फॉरेनर मान रहे हैं, विदेशी मान रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए तथ्य दिए हैं कि भाई हम इनको विदेशी किस आधार पर मान रहे हैं, या जो भारत के देसी उनको मानते हैं, जो इतिहासकार इनको देसी मान रहे हैं, उन्होंने भी इस बात को जस्टिफाई किया है कि भाई ये इंडियंस किस हिसाब से। तो अब हमें धीरे धीरे करके इन तीनों थ्योरीज को पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे अग्निकुंड का सिद्धांत। ठीक, अग्निकुंड का सिद्धांत बेसिकली दिया था चंद्र बरदाई ने। ठीक, देखिए चंद्र बरदाई जो हैं, ये चंद्र बरदाई, देखिए जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है, उनके दरबार के ये दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई। ठीक, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक, इन्होंने एक किताब लिखी पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने। ठीक, इसमें इन्होंने बताया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है ये अग्निकुंड से हुई है। ठीक, मतलब जो अग्निकुंड वाली थ्योरी किसने दी, चंद्र बरदाई ने, याद रखिएगा अग्निकुंड वाली थ्योरी किसने दी, चंद्र बरदाई ने। ये कौन थे, ये कोर्ट पोएट थे किसके, पृथ्वीराज चौहान के। ठीक, इन्होंने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ठीक, तो पृथ्वीराज रसो में इन्होंने बताया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये अग्निकुंड से हुई है। अब ये इन्होंने कैसे बताया, इसके पीछे इन्होंने एक कथा बताई। अब उस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया कि जब परशुराम, देखिए परशुराम जी को जानते हैं, ठीक, तो जब परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था धरती से, पृथ्वी से क्या किया था, देखिए जो परशुराम है उन्होंने कई बार क्षत्रियों का विनाश किया है पृथ्वी से। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि जब परशुराम जी ने सारे क्षत्रियों का नाश कर दिया था पृथ्वी से, तो पृथ्वी में जो दैत्य थे, या एक तरीके से हम कहें जो राक्षस वर्ग हुआ करता था, उनका आतंक बहुत ज्यादा फैलने लगा। चूंकि क्षत्रिय जो थे वो क्या करते थे, सुरक्षा करते थे दैत्यों से लोगों की। अब जब क्षत्रिय ही खत्म हो गए तो दैत्यों का आतंक धीरे धीरे क्या होने लगा, बढ़ने लगा। देखिए ये कथा जो बताई है ये चंद्र बरदाई ने बताई। ठीक, तो परशुराम जी ने जब क्षत्रियों का नाश कर दिया तो पृथ्वी पर दैत्यों का जो आतंक है वो बढ़ने लगा। ठीक, तो उस टाइम पर एक ऋषि हुआ करते थे वशिष्ठ। ठीक, वशिष्ठ एक ऋषि हुआ करते थे, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ किया। यज्ञ मतलब यही होता है अग्निकुंड। ठीक, इन्होंने क्या किया, पर्वत पे जाके वशिष्ठ ने एक यज्ञ करवाया। ठीक है, यज्ञ किया। ठीक, इनको लग गया कि भाई इन दैत्यों को खत्म करना है, तो उसके लिए इन्होंने एक शक्ति के उत्पत्ति के लिए यज्ञ किया। किसने, ऋषि वशिष्ठ ने। ठीक, अब ऋषि वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया, ठीक है, पर्वत पे जाके, उससे इन्हें जब पहली बार इन्होंने यज्ञ किया तो तीन योद्धा पैदा हुए। मतलब उस अग्निकुंड से कितने योद्धा निकले, तीन योद्धा निकले। सबसे पहले निकले प्रतिहार, ये जो गुर्जर प्रतिहार वाले हैं। इसके बाद निकले चालुक्य, ठीक, और तीसरे जो निकले वो निकले परमार। परमार ये मालवा वाले हैं। ठीक, परमार वंश कहां रहा है, मालवा में रहा है, इसको भी अभी पढ़ेंगे अपन राजपूतों में। ठीक, तो प्रतिहार मतलब गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य मतलब ये जो चालुक्य है जो नीचे अपन ने पढ़ा था, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले रीजन में थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न चालुक्य। फिर इसके बाद तीसरा जो इन्होंने पढ़ा वो बताया कि परमार। ठीक, तो यज्ञ से ये तीन लोग निकले, एक प्रतिहार निकले, चालुक्य निकले और परमार निकले। ठीक,
अब इसके बाद जब इन्होंने युद्ध किया दैत्यों के साथ, तो ये दैत्यों को हरा नहीं पाए, ठीक। मतलब ये प्रतिहार चालुक्य और परमार जब युद्ध किए दैत्यों के साथ, तो ये क्या हुआ, दैत्यों को हरा नहीं पाए, ठीक। तो फिर से एक बार यज्ञ किया गया, मतलब दूसरी बार यज्ञ किया गया, ठीक। और अब इस यज्ञ में यज्ञ कुंड से, जो अग्नि कुंड है, इससे जो निकले, ये निकले चाहमान। चाहमान मतलब वही चौहान, पृथ्वीराज चौहान वाले, ठीक। मतलब इन्होंने क्या बताया कि ये चाहमान जो हैं, जो चौहान कहलाए, वो दूसरी बार जो अग्निकुंड किया गया उससे निकले, और इन्होंने क्या किया, दैत्यों को पाताल लोक तक खदेड़ दिया। मतलब चौहान ने क्या किया, दैत्यों को पाताल लोक, पाताल लोक मतलब एक तरीके से आप मानिए वो नरक का द्वार होता है, जिसको पाताल लोक कहते हैं, ठीक। तो पाताल लोक तक जो है इनको घसीट दिया दैत्यों को, किन्होंने, चौहान ने, जिनको चौहान बोला गया, ठीक। तो चंद्र बरदाई ने जो स्टोरी बताई उसके अकॉर्डिंग राजपूत जो निकले हैं, ये यज्ञ कुंड, या हम इसको अग्नि कुंड कहते हैं, अग्नि कुंड से निकले। तो ये थ्योरी उन्होंने अपनी किताब पृथ्वीराज रासों में बताई है, ठीक। इसमें उन्होंने क्या बताया कि एक ऋषि वशिष्ठ थे, चूंकि दैत्यों का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कारण क्षत्रियों का खत्म हो जाना, किसने खत्म किया था क्षत्रियों को, परशुराम जी ने, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, पर्वत पर जाकर एक यज्ञ करवाया, जिससे पहली बार यज्ञ में तीन राजपूत वंश की स्थापना हुई, प्रतिहार चालुक्य और परमार। लेकिन यह क्या हुआ, दैत्यों को हरा नहीं पाए, ठीक। तो फिर जब दूसरी बार उन्होंने यज्ञ किया, तो उन्होंने यह माना कि जो चौहान थे वो अग्निकुंड से निकले, जिनको बाद में क्या बोला गया, चौहान, ठीक। पृथ्वीराज चौहान इसी वंश के थे, चौहान वंश के, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर राज किया था, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया इस किताब में कि ये जो चौहान थे, इन्होंने दैत्यों को पाताल लोक मतलब नरक के द्वार तक खदेड़ दिया था, ये अकॉर्डिंग टू चंद्र बरदाई, ठीक। तो अग्निकुंड ओरिजिन थ्योरी आपको समझ में आई, किसने दी थी, चंद्र बरदाई ने, किसमें, पृथ्वीराज रासो, ठीक। तो इसमें लिखा है, चंद्र बरदाई डिस्क्राइब्ड एन इंसिडेंट अबाउट दी राजपूत ओरिजिन इन पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा, इनकी किताब रही है पृथ्वीराज रासो, किसने लिखी है, चंद्र बरदाई ने, ठीक। तो ये कहानी बताती है कि परशुराम ने क्या किया था, सारे क्षत्रियों को मार दिया था। अब इसके कारण जो दैत्य लोग थे, डेमोन, जिनको हम राक्षस बोलते हैं, वो क्या होने लगे, अर्थ पे धीरे धीरे क्या होने लगे, ग्रू करने लगे, मतलब पृथ्वी पे। तो उस टाइम पर ब्रह्मा जी के आदेश से ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, एक यज्ञ करवाया, ठीक है, यज्ञ करवाया, ठीक है। ये कहाँ करवाया, माउंट आबू, आबू पर्वत पे, ठीक है, मतलब जिसको आज माउंट आबू कहा जाता है। तो आबू पर्वत पर इन्होंने क्या करवाया, यज्ञ करवाया, ठीक है, जिसमें तीन वॉरियर्स, प्रतिहार चालुक्य और परमार, ये क्या हुए, उत्पत्ति हुई वहां से, ठीक है। लेकिन ये क्या हुए, ये इनको हरा नहीं पाए, किसको नहीं हरा पाए, दैत्यों को हरा नहीं पाए। फिर उसके बाद इन्होंने एक बार और यज्ञ करवाया वशिष्ठ ने, और इस बार चौमाना, ठीक है, चौमाना या जिनको चौहान बोला जाता है, इनको नए यज्ञ की तरह उत्पन्न करवाया, और इन्होंने फिर उनको पाताल लोक तक घसीट दिया, ठीक। तो ये अग्नि कुंड की ओरिजिन थ्योरी थी, क्लियर हुआ आप लोगों को, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक। इसके बाद अगला हम जो देखते हैं, फॉरेन ओरिजिन थ्योरी, ठीक है, मतलब विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन ऐसे इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि राजपूत जो रहे हैं वो विदेशी रहे। देखिए, इनमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिस्टोरियन नाम आता है जेम्स टोड का। सबसे पहले हिस्टोरियन कौन रहे हैं, जेम्स टोड, ठीक है, मतलब कि इनको विदेशी बताने वाले सबसे पहले इतिहासकार कौन रहे हैं, जेम्स टोड, ठीक। अब जेम्स टोड, ठीक है, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो और भी इस हिस्टोरियंस रहे हैं जिन्होंने जेम्स टोड का समर्थन किया। इसमें एक थे विलियम कुक,
विलियम कुक, ठीक है, क्रुक, सॉरी क्रुक, विलियम क्रुक, ठीक। तो जेम्स टोड थे, विलियम क्रुक थे, ठीक है। इसके अलावा एक थे हिस्टोरियन वी ए स्मिथ। ये सारे वो हिस्टोरियन इतिहासकार हैं जिन्होंने बताया कि भाई इनकी उत्पत्ति विदेश से हुई है। जेम्स टोड, विलियम क्रुक, वी ए स्मिथ, ठीक। इसके अलावा कुछ और हिस्टोरियंस रहे हैं, भारतीय भी रहे हैं, जिन्होंने इनकी थ्योरी को सही माना है, ठीक है। जिसमें एक रहे हैं डी आर भंडारकर। देखिए ये हिस्टोरियंस आपको याद रखने पड़ेंगे, डी आर भंडारकर, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, ठीक। तो ये ऐसे पांच हिस्टोरियंस रहे हैं जिन्होंने ये माना कि राजपूत जो रहे हैं ये फॉरेन ओरिजिन के, मतलब ये विदेशी हैं, ठीक। तो आपको ये पांचों राइटर्स के नाम याद रखने हैं। देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि राजपूतों को विदेशी मानने वाले इनमें से कौन से हिस्टोरियन नहीं रहे। मैंने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था कि राजपूतों को फॉरेन मानने वाले, फॉरनर मानने वाले इनमें से कौन से हिस्टोरियंस हैं जो इनको नहीं मानते। तो इसमें तीन नाम इनके दिए गए थे और चौथा नाम एक और दिया गया था, तो वो सही आंसर। तो इसलिए आपको ये नाम याद रखना है, ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है, लेकिन सबकी बात का सारांश एक ही है कि ये विदेशी रहे। इसमें अलग अलग थ्योरी दी गई है, लेकिन सबने ओवरऑल सबके लिए कॉमन क्या है कि राजपूत क्या रहे हैं, विदेशी रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करें जेम्स टोड के बारे में, ठीक। तो जेम्स टोड के बारे में अगर हम बताएं तो इन्होंने क्या बताया, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि राजपूत जो रहे हैं, ठीक है, ठीक, और एक विदेशी जाति रही है जिनको सीथियंस कहा जाता है, ठीक। मैंने आपको जब विदेशी बताया था, ठीक है, फॉरेन वाले, तो मैंने आपको सीथियंस का भी जिक्र किया था, ठीक। तो इन्होंने ये बताया जेम्स टोड ने कि एक विदेशी जाति रही है जिनको क्या बोला जाता था, सीथियंस, ठीक है। और ये सीथियन साथी जो रहे हैं यही राजपूत इन्हीं के वंशज रहे हैं, ये इन्होंने बताया जेम्स टोड ने। मतलब जेम्स टोड ने क्या बताया कि सीथियंस जो बाहरी एक जाति रही है, ठीक, उन्हीं के एक तरीके से माना जाए वंशज माने जाते हैं राजपूत, ठीक। ये थ्योरी जेम्स टोड ने दी। अब इस थ्योरी के पीछे के रीजन क्या थे, इन्होंने बताया कि सीथियंस जो रहे हैं और जो राजपूत रहे हैं, ठीक, इनके बीच में सामाजिक तौर पर भी देखें और धार्मिक तौर पर भी कुछ सिमिलैरिटीज रही हैं। सिमिलैरिटीज मतलब ये इन्होंने बताया थ्योरी में अपनी कि सामाजिक तौर पर भी अगर हम बात करें और धार्मिक तौर पर भी सीथियंस और राजपूतों में काफी कुछ समान है। अब इन्होंने इस थ्योरी को कैसे बताया, ठीक। तो इन्होंने ये बताया सबसे पहले तो कि सीथियंस का जो एक तरीके से कहा जाए रहन सहन है या उनके कपड़े पहनने का तरीका सीथियंस का और राजपूतों का एक जैसा रहा है, ठीक। मतलब इनका कपड़े पहनने का तरीका, वेशभूषा, और इनका जो रहने रहन सहन मतलब लिविंग स्टैंडर्ड जो है, तो राजपूतों का सीथियन से मिलता है, ठीक। दूसरी थ्योरी इन्होंने बताई कि जैसे सीथियंस नॉन वेजिटेरियन थे वैसे ही राजपूत भी नॉन वेजिटेरियन थे। आप जानते हैं कि राजपूत भी क्या रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन, ठीक, मांसाहारी, ठीक। तो इन्होंने, जेम्स टोड ने क्या बताया कि जो सीथियंस रहे हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन रहे हैं और जो राजपूत रहे हैं वो भी क्या रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन रहे हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आप याद करेंगे राजपूत लोग जो लड़ा करते थे, बेसिकली इनका युद्ध जो हुआ करता था ये चैरियट्स पे हुआ करता था। चैरियट्स मतलब ये रथों पे युद्ध करते थे, ठीक, इनके रथ हुआ करते थे, ठीक, और ये चैरियट्स पे युद्ध किया करते थे। वैसे ही सीथियंस भी क्या किया करते थे, चैरियट्स पे युद्ध किया करते थे, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजपूतों में यज्ञ कराने की भी, ये जो अग्निकुंड जो है, यज्ञ कराने की भी प्रथा थी और सीथियंस में भी यज्ञ कराने की प्रथा थी।
फिर इसके बाद बात करें तो राजपूतों में एक जो बहुत ही अलग सामाजिक प्रैक्टिस जो हुई है वो है सती प्रथा। आपने देखा होगा राजपूतों में एक प्रथा होती थी सती प्रथा। इसमें क्या होता था कि सती प्रथा में जैसे किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो उस हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ ही उनको भी पत्नी को भी क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। सती प्रथा प्रैक्टिस, ठीक। ये काफी मतलब काफी ज्यादा मतलब बेकार एक तरीके से हिंदू धर्म में प्रैक्टिस मानी जाती थी, लेकिन राजपूतों में इनका प्रचलन काफी ज्यादा था। आपको कई सारे एग्जाम्पल्स में आगे आपको बताऊंगा जो सती प्रथा के हुए हैं, ठीक। तो राजपूतों में भी सती प्रथा का था और सीथियंस में भी ये चीजें थी, ठीक। तो जेम्स टोड ने ये बताया कि भाई इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, इनका रहन सहन, इनका खाना पीना, इनकी धार्मिक प्रथाएं, इनका युद्ध लड़ने का तरीका, सब कुछ सीथियंस से मिलता है। तो इसीलिए जेम्स टोड ने इस थ्योरी को बताया कि भैया ये सीथियंस के ही ओरिजिन रहे हैं, क्योंकि ये चारों पांचों चीजें जो हैं वो राजपूतों की सीथियंस के साथ मिलती हैं, ठीक। समझ में आया आपको? तो जेम्स टोड ने क्या बताया कि भाई जो सीथियंस जो फॉरेन ओरिजिन वाले रहे हैं, ये राजपूत जो रहे हैं ये इन्हीं के वंशज माने जाते हैं। कारण उसने क्या बताया कि कई सारी सिमिलैरिटीज इनके समय में रही हैं, जैसे इनका खाना पीना, जो इनका सती प्रथा प्रैक्टिस है, युद्ध लड़ना तरीका, फिर इनका रहन सहन, ये सारी चीजें सीथियन से मिलती हैं, ठीक। तो जेम्स टोड ने अपनी थ्योरी इसमें दी, ठीक। अब इसके बाद जो थ्योरी देते हैं वो देते हैं विलियम क्रूक, ठीक। अब ये विलियम क्रूक ने क्या बताया, ठीक। देखिए विलियम क्रूक ने भी कहा कि जेम्स टोड जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से कहा जाए तो राजपूत जो रहे हैं वो विदेशी ही रहे, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर थ्योरी क्या दी, ठीक। देखिए ध्यान से सुनिएगा इन्होंने क्या थ्योरी दी। देखिए बहुत सारे जब हूण हो गए, आपने देखा होगा हूणों का आक्रमण हुआ था, या जब सकाज आए थे या कुषाण आए थे, ये सब लोग विदेशी थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ठीक। बाद में ये धीरे धीरे क्या हो गए, भारत के अंदर ही सेटल होने लगे, ठीक। तो इनकी अपनी एक जाति बन गई, इनकी क्या बन गई, अपनी एक जाति बन गई जिसको हम विदेशी जाति कहते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, विदेशी जाति। अब इनको विदेशी जाति क्यों बोला गया, क्योंकि ये विदेश से आए थे, चाहे हूण हो, चाहे सका हो, चाहे कुषाण हो, ये सब क्या आए हैं, विदेश से आए, ठीक। तो उस टाइम पर विलियम क्रूक ने जो थ्योरी दी ये क्या दी कि उस टाइम पर अगर बात करें तो जो ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण जो हुआ करते थे, उनका जो बौद्ध धर्म वाले थे, बुद्धिज्म वाले, जो बुद्धिज्म को मानने वाले थे, उनसे ब्राह्मण बहुत चिढ़ते थे। कारण क्या था कि उनकी सभ्यता जो थी वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी इन कंपैरिजन टू बौद्ध धर्म के, ठीक। तो ब्राह्मण क्या थे, बौद्ध धर्म से चिढ़ते थे, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, विलियम क्रूक ने, ठीक। तो उस टाइम पर ब्राह्मणों ने क्या किया कि ये जो विदेशी जातियां थी, ठीक है, ये जो विदेशी जातियां थी, जो हूण सका या कुषाण जो रह गए थे भारत में, इनको क्या किया, वैदिक उसमें ले आए, ठीक है। तो इनको क्या किया, इनको शुद्ध बद्ध करके, संस्कार संस्कार वगैरह, इनका शुद्ध संस्कार वगैरह करके, पवित्र बना करके, इनको भारतीय वर्ण व्यवस्था मतलब इंडियन वर्ण सिस्टम में क्या किया, इनको स्थान दे दिया, ठीक। और इन्हीं को क्या कहा जाने लगा, राजपूत कहा जाने लगा। इन्हीं को क्या कहा जाने लगा, राजपूत कहा जाने लगा। मतलब विलियम क्रूक ने यह बताया कि भाई जो विदेशी लोग, जो हूणों ने, कुषाणों ने, सकाज ने जो आक्रमण किए थे भारत के ऊपर, तो उसके बाद उनके जरिए कुछ लोग यहीं पर रह गए थे। अब उनकी एक जाति पर्टिकुलर हो गई थी। अब चूंकि ब्राह्मण जो थे वो बौद्धों से क्या होते थे, चिढ़ते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्राह्मणों का प्रभुत्व जो था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, ब्राह्मणों सॉरी बुद्धिज्म के कारण कम हो गया था, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने इन विदेशी जाति वालों का शुद्धिकरण करवाया और इनको क्या बना दिया गया, वर्ण व्यवस्था में शामिल करा दिया गया, और यही क्या कहलाए, राजपूत कहलाए, अकॉर्डिंग टू विलियम क्रूक। ये थ्योरी विलियम क्रूक ने, याद रखिएगा ये थ्योरी किसने दी, विलियम क्रूक ने। तो विलियम क्रूक ने भी इनको विदेशी माना, लेकिन इन उसने सीथियन से कंपेयर नहीं किया, उसने
यहां जो ऑलरेडी विदेशी लोग रह रहे थे उनको वर्ण व्यवस्था में शामिल करवाया ब्राह्मणों ने, और उन्हीं जाति को क्या बोला गया, राजपूत बोला गया। इसलिए कई हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं, जैसे स्पेशली विलियम क्रूक, कि ये जो हूण और कुषाण रहे हैं यही के वंशज क्या रहे हैं, राजपूत रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये चीजें? ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगले जो हिस्टोरियंस आते हैं ये हैं वी ए स्मिथ। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, देखिए इन्होंने भी विदेशी ही बताया, लेकिन इनकी थ्योरी जो थी वो इन दोनों की थ्योरी से थोड़ा अलग थी। देखिए सबकी थ्योरी समझ में आ रही ना आपको? ठीक, जेम्स टोड ने सीथियन से बताया था राजपूतों का, फिर इसके बाद हूण और सकाज और कुषाण वाले जो थे विदेशी जाति वाले, इनको ब्राह्मणों ने राजपूत बना दिया था, मतलब वर्ण व्यवस्था में शामिल करवा दिया था। ठीक, ये किसने दिया, विलियम क्रूक ने। अब बात करते हैं वी ए स्मिथ की, कि वी ए स्मिथ ने जो है वो क्या बताया। ठीक, तो वी ए स्मिथ ने ये कहा, उन्होंने भी इनसे काफी सिमिलर बात कही। उन्होंने बताया कि ये जो हूण और सकाज रहे हैं, ठीक है, ये जो हूण हैं और ये जो सकाज हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जो राजपूतों में, ठीक है, स्पेशली अगर हम बात करें तो जो प्रतिहार वंश रहा है, प्रतिहार मतलब गुर्जर प्रतिहार, ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चौहान वंश है, पृथ्वीराज चौहान वाले, ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो परमार वंश, ठीक, और ये चालुक्य, ठीक, ये जो चारों वंश हैं प्रतिहार चौहान परमार और चालुक्य, वी ए स्मिथ के अकॉर्डिंग ये हूण और शकों से इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, मतलब हूण और सकाज जो भारत में आए थे, ठीक, उससे किनकी उत्पत्ति हुई है, प्रतिहार चौहान परमार और चालुक्य। ठीक, तो हूण और सकाज से उत्पत्ति किनकी हुई, प्रतिहार चौहान परमार और चालुक्य वंश की, ठीक है, उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो मध्य, देखिए ये सब तो पश्चिमी क्षेत्र में थे, अगर आप देखें ध्यान से मैप में तो गुर्जर प्रतिहार हो चाहे चौहान हो चाहे परमार चालुक्य, ये सब किस तरफ रहे हैं, वेस्ट साइड। ठीक, अब अगर हम बात करें सदर्न साइड, ठीक, साउथ की तरफ जो राजपूत रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें दक्षिणी क्षेत्र की, अगर हम बात करें तो दक्षिणी क्षेत्र में रहे हैं राष्ट्रकूट, आपने देखा था राष्ट्रकूट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाले, ये दक्षिणी क्षेत्र में थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो कन्नौज रीजन में थे गढ़वाल, ठीक है, सदर्न और सेंट्रल रीजन, सदर्न सिर्फ नहीं, सदर्न और सेंट्रल रीजन मतलब मध्य रीजन। ठीक, तो जो राष्ट्रकूट रहे हैं गढ़वाल वंश के रहे हैं, या आप याद करें बुंदेलखंड में जो रहे हैं चंदेल वंश, खजराहों वाले चंदेल वंश, ये भी क्या रहे हैं, राजपूत रहे हैं। ठीक, तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है, मानते हैं कि गढ़वाल चंदेल और राष्ट्रकूट, इनकी जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ये गोंड और भर जाति से हुई, किनसे हुई है, गोंड और भर जाति। ठीक है, तो ये गोंड और भर जाति जो रही है, कास्ट रही है, इससे इनकी उत्पत्ति हुई है अकॉर्डिंग टू वी ए स्मिथ। ठीक, तो वी ए स्मिथ ने क्या बताया कि जो प्रतिहार चौहान परमार और चालुक्य रहे, इनकी उत्पत्ति हुई हूण और सकाश से, और जो साउथ के और सेंट्रल लेवल के जो रहे जैसे राष्ट्रकूट गढ़वाल और चंदेल, इनकी उत्पत्ति हुई है गोंड और भर जाति से। ये किसने बोला, वी ए स्मिथ ने। ठीक, तो जेम्स टोड, विलियम क्रूक और वी ए स्मिथ, आपको समझ में आया। ठीक, इसके बाद जो भारतीय रहे हैं, जो भारतीय रहे हैं जैसे ये डी आर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद, ठीक, अब इन्होंने इनको क्या बताया। ठीक है, तो ये भी इनको भी क्या बताया, बेसिकली इनको भी विदेशी बताया। इन्होंने ये बताया कि जो कुषाण थे और शक थे, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू डी आर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो सकाज और कुषाण ये जब भारत पर आक्रमण करने आए थे, ठीक है, तो ये जब भारत पर आक्रमण करने आए तो इनके साथ दो जातियां यहां पर आई थी, एक जाति थी गुर्जर, एक जाति थी कौन सी, गुर्जर, और दूसरी थी खज्जर। तो एक जाति थी गुर्जर और एक जाति थी खज्जर,
ये किनके साथ आए थे? सकाज और कुषाण के साथ। तो गुर्जर और खज्जर जनजाति जो है जाति है ये इनके साथ आई थी जब ये आक्रमण करने आए। ठीक, अब इसमें इन्होंने जो थ्योरी दी वो किस आधार पर दी? आपको जो अपना जो चंदेल वंश था, ठीक है, देखिए जो चंदेल थे, ठीक है, चंदेल मतलब वही खजराहों वाले। ठीक, तो ये जो चंदेल थे इनके एक सेनापति हुआ करते थे आला और उदल। ठीक, इनके एक सेनापति हुआ करते थे आला और उदल। मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी किस हिसाब से बताई कि इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया डीआर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद ने कि भैया जो हैं चंदे जो ये राजपूत इनके साथ ये सकास और कुषाण के साथ कौन आए थे? गुर्जर और खज्जर वंश वाले। ठीक, इन्होंने क्या किया? चंदेल वंश, इन्होंने ऐसे बताया कि चंदेल वंश के ठीक जो सेनापति हुआ करते थे आला और उदल। ठीक है, तो ये जो आला और उदल हुआ करते थे ये बनाफर राजपूत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये बनाफर राजपूत। मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि ये जो हुआ करते थे आला और उदल ये बनाफर राजपूत हुआ करते थे। ठीक है, और ये जो बनाफर राजपूत हुआ करते थे ये क्या हुआ करते थे? बनाफर जो थे ये कुषाण थे। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो बनाफर थे, बनाफर ठीक है, ये दोनों बनाफर राजपूत हुआ करते थे, तो ये जो बनाफर हुआ करते थे ये कुषाण थे। ठीक, देखिए एक्चुअली इन्होंने अपनी थ्योरी इस हिसाब से बताई कि जो कुषाण हुआ करते थे इनके एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था बंसफर। इनके एक गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? बंसफर। किसके? कुषाणों के। ठीक, तो कुषाणों के एक सेनापति या गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था बंसफर। ठीक, और ये जो इन्होंने जो बातें बताई, ठीक है, बंसफर, ठीक है, कुषाणों ने, ठीक, तो इनके जो सेनापति हुआ करते थे बंसफर, ठीक है, गवर्नर हुआ करते थे, ठीक, तो इनको ये जो बनाफर माना गया है ये इन्हीं का वंशज माना गया है। किसका? बनस्फर का। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो कुषाण थे, ठीक है, इनके एक गवर्नर हुआ करते थे बनस्फर, और इन्हीं का जो है एक तरीके से माना जाए तो इन्हीं के जो है वंशज माने गए बनाफर। ठीक, और आला और उदल क्या थे? बनाफर राजपूत। तो इन्होंने इस हिसाब से माना कि भैया ये जो आए हैं ये विदेशी ही है, क्योंकि कुषाणों का एक गवर्नर था बनस्फर, उन्हीं के ओरिजिन वाले थे बनाफर। ठीक, और बनाफर राजपूत ही कौन थे? आला उदल। ठीक, तो इस तरीके से माना गया, ठीक, कि जो राजपूत हैं वो क्या रहे हैं? फॉरेन ओरिजिन के माने गए। ठीक, तो मैं आपको समझ में आया किस तरीके से माना गया इनको फॉरेन ओरिजिन का? जेम्स टोड, विलियम क्रूक, वी ए स्मिथ और भारत के जो हिस्टोरियंस थे डी आर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने क्या बताया कि बेसिकली जो राजपूत रहे हैं ये कौन रहे हैं? फॉरेन ओरिजिन के रहे हैं, मतलब ये विदेशी रहे। ठीक, तो इसको अगर आप समझें तो कर्नल जेम्स टोड ने इनिशियली प्रपोज किया कि राजपूत जो रहे वो फॉरेन ओरिजिन के थे, विच इज सपोर्टेड बाय द व्यूज ऑफ विलियम कुरुक एंड स्मिथ एज वेल एज बाय इंडियन हिस्टोरियंस डी आर भंडारकर एंड ईश्वरी प्रसाद। तो ये पांच लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की थ्योरी को सही माना। इसके बाद अगर हम बात करें तो कर्नल जेम्स टोड जो रहे हैं, टेंड नहीं है ये टोड है, याद रखिएगा ये टोड है, ठीक है, TOD टोड। इन्होंने क्या बताया कि राजपूत जो रहे हैं ये फॉरेन ओरिजिन के रहे हैं, ठीक है, और ये किससे सिमिलर रहे हैं? सीथियन से। मैंने आपको बताया सीथियन से, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो सीथियन से इनकी जो सिमिलैरिटी रही है वो इनके सोशल और रिलीजियस कस्टम्स के ओपिनियन के हिसाब से रही। जैसे इनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल सीथियन से मिलती, ये नॉन वेजिटेरियन थे ये भी सीथियन से मिलता है, फिर ये रथों पर जो लड़ाई किया करते थे वो भी सीथियन से मिलता। इसके अलावा मैंने आपको सती प्रथा बताया था वो भी किन से मिलता है? सीथियन से मिलता है। तो ये सारी बातें जो कही गई ये कर्नल जेम्स टोड ने कही। इसके बाद विलियम क्रूक क्या बताते हैं कि बहुत सारी फॉरेन जातियां, विदेशी जातियां जो रही हैं वो भारत के समाज में प्रेजेंट थी। बुद्धिस्ट जो थे वो एक तरीके से कहा जाए तो बुद्धिस्ट से काफी ज्यादा हेट्रेड रखते थे कौन? ब्राह्मण्स। मैंने आपको बताया था
ठीक, तो बुद्धिस्ट ग्रुप था, तो उनको काउंटर करने के लिए उस टाइम पर ये जो फॉरेन कास्ट हुआ करती थी इनको भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल करवाया, किसने? ब्राह्मणों ने। ठीक, ब्राह्मणों ने किसमें शामिल करवाया? इनको शुद्ध बुद्ध करके, शुद्धिकरण करके इनको भारतीय वर्ण व्यवस्था में क्या किया गया? शामिल करवाया गया। ठीक, यही क्या कहलाए? राजपूत कहलाए, अकॉर्डिंग टू विलियम क्रूक। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो थ्योरी बताई थी वो स्मिथ ने बताई। ठीक, स्मिथ ने क्या बताया कि जो प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य हैं, ठीक है, इनका ओरिजिन हुआ है शका और हूण से। ठीक, और इसके अलावा जो गढ़वाल वंश, चंदेल और राष्ट्रकूट रहे हैं, इनका घोंड और भर जाति से ओरिजिनेशन हुआ। ये किसने बताया? वी ए स्मिथ ने। ठीक, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है कि शकास को जो माना गया मनुस्मृति में वो कहा गया भ्रत्य क्षत्रिय। ठीक है, इनको क्या बोला गया? भ्रत्य क्षत्रिय। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो मिस्टर भंडारकर, मैंने आपको बताया मिस्टर भंडारकर और ईश्वरी चंद, ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि दो जातियां हूणों और कुषाणों और शकास के साथ आई थी, गुर्जर और क्षत्रिय कम्युनिटीज। ठीक है, ये शकास और कुषाण के साथ भारत में आई। ठीक, इन्होंने धीरे, अब देखिए इसमें यहां पे क्या हुआ कि जो आला उदल थे, ठीक है, ये क्या थे? बनापर राजपूत थे। ठीक है, आला उदल क्या थे? बनापर राजपूत थे। ठीक है, बनाफर राजपूत। ठीक, और ये बनाफर क्या था? बनाफर जो थे इन्हीं के एक गवर्नर हुआ करते थे बनास्पर, किसके? कनिष्क के। कनिष्क कौन थे? कुषाण वाले। कनिष्क कौन थे? कुषाण वाले, उनके एक गवर्नर हुआ करते थे बनस्पर, उन्हीं का वंशज माना गया, किनको माना गया? बनापर को। और चूंकि आला उदल एक बनापर राजपूत थे इसलिए इनको भी क्या मान लिया गया? फॉरेन ओरिजिन का मान लिया गया। ठीक, इसके अलावा जो हूण थे, ठीक है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया 36 राजपूत क्लेन्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से इन्होंने जो वो किया, ठीक है, इन्होंने जो माना, क्या माना गया कि इन्होंने जो हूणों ने क्या उल्लेख किया? राजपूतों के 36 क्लेन्स का, मतलब जो इनके 36 कुल हुआ करते थे, राजपूतों में भी कुल हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 36 कुलों को, ठीक है, ये किसने फाइंड आउट किया? हूणों में उल्लेख किया गया। ठीक है, ठीक, तो इसलिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें थी। ठीक, तो इतने हिस्टोरियंस जो थे इन्होंने क्या माना कि भाई जो राजपूत रहे हैं वो कौन रहे हैं? फॉरेन ओरिजिन के रहे। ठीक, अब इसके बाद अपन देखते हैं इंडियन ओरिजिन थ्योरी। देखिए इंडियन ओरिजिन थ्योरी मतलब देसी या भारतीय उत्पत्ति का मत किसने किसने दिया? ठीक, देखिए इसमें जो रहे हैं, जो राइटर हिस्टोरियंस कहे जाते हैं, वो रहे हैं गौरी शंकर। ठीक, एक रहे हैं गौरी शंकर, ठीक, दूसरे रहे हैं सी वी वैद्य, सी वी वैद्य। ठीक है, तो गौरी शंकर, सी वी वैद्य, ठीक, और इसके अलावा रहे हैं हीरा चंद्र ओझा, हीरा चंद्र ओझा। ठीक, तो हीरा चंद्र ओझा, तो गौरी शंकर, सी वी वैद्य और हीरा चंद्र ओझा, इन्होंने बताया है कि भैया राजपूत जो रहे हैं ये भारतीय क्षत्रियों की ही संतान रहे हैं, मतलब जो भारतीय क्षत्रिय थे उन्हीं की संतान ये रहे हैं, मतलब इन्होंने उनको विदेशी नहीं माना। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय मानने वाले राजपूतों में कौन कौन हिस्टोरियन थे, तो आपको नाम याद रखना है गौरी शंकर, सी वी वैद्य और हीरा चंद्र ओझा। ये तीन ऐसे हिस्टोरियंस रहे हैं जिन्होंने ये माना है कि राजपूत जो रहे हैं वो भारतीय मूल के रहे हैं। ठीक, अब इनके तर्क क्या थे? सबसे पहला तर्क जो इन्होंने दिया कि भैया जेम्स टोड ने ये कहा, जो जेम्स टोड थे, ठीक, इन्होंने बोला कि ये जो सीथियंस थे इनके साथ जो था सिमिलैरिटी रही है राजपूतों की, मतलब इनकी कुछ प्रथाएं जो रही हैं वो राजपूतों के समान रही हैं। इंडियन हिस्टोरियंस ने यह बताया कि भाई साहब यही प्रथाएं हमारे यहाँ क्षत्रियों में पहले से चली आ रही हैं, मतलब कि ये जो राजपूतों की सारी प्रथाएं हैं, ठीक, ये प्राचीन काल से क्षत्रियों में चली आ रही थी, इंडियन हिस्टोरियंस ने यह बताया।
मतलब जेम्स टोड ने जो बताया कि भाई ये सीथियंस की तरह इनकी सिमिलैरिटी है, इन्होंने बताया इंडियन हिस्टोरियंस ने कि भैया ये तो हमारे यहाँ क्षत्रियों में भी प्रथा चला करती थी, मतलब क्षत्रिय लोग भी जो थे वो माना जाता था कि नॉनवेज वगैरह खाया करते थे, वो भी रक्त से लड़ा करते थे। अगर आपने देखा हो कि महाभारत काल में अगर हम बात करें तो महाभारत काल में युद्ध किनसे हुआ था, रथी तो थे सबके पास, और सब क्या थे, क्षत्रिय थे। चाहे आप कौरव ले लें, चाहे पांडव ले लें। इसके अलावा अगर आप बात करें रामायण काल में चले जाइए आप, तो वहां पर भी किसका इस्तेमाल होता था, रथों का इस्तेमाल होता था। श्री रामचंद्र जी रथ पे बैठ के रावण से लड़े थे। तो ये तो प्रथा हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सीथियंस के उससे हुआ है। ठीक, तो इंडियन हिस्टोरियंस ने ये बताया कि भैया ये जो राजपूतों की जो प्रथाएं हैं ये क्षत्रियों में पहले से चली आ रही है। एक तो पहला रीजन इन्होंने ये दिया। ठीक, तो एक तरीके से इन्होंने ये माना कि भैया ये जो चीजें हैं ये सिर्फ एक संजोग है कि उनका और इनका मिलता है, लेकिन इससे आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि ये उन्हीं के वंशज। इन्होंने क्या माना कि जेम्स टोड जो बता रहे हैं वो सिर्फ एक कल्पना या संजोग है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो क्रूक ने जो बातें बताई, ठीक, क्रूक ने क्या बताया था, ठीक, कि विदेशी जातियों का ब्राह्मणों ने क्या किया, ये सब कर दिया। ठीक है, ये भी थ्योरी का कोई भी ऑथेंटिकेट प्रूफ वो नहीं दे पाए, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उन्होंने सिर्फ एक थ्योरी दे दी कि भाई ब्राह्मण जो थे वो बुद्धिज्म से बहुत ज्यादा नाराज थे, उनसे काफी ज्यादा गुस्सा थे, तो उनको काउंटर करने के लिए राजपूतों को क्या बना दिया, मतलब विदेशी जाति वालों को शुद्ध शुद्धि करके और राजपूत बना दिया, वर्ण व्यवस्था में शामिल करवा दिया। ठीक, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। ठीक, तो ये जो इन्होंने बताया कि ये जो है इसकी कोई साहित्यिक या लिटरेचर पुष्टि नहीं है। साहित्यिक पुष्टि मतलब लिखित में, देखिए साहित्यिक का मतलब होता है लिटरेचर। देखिए हिस्ट्री में जब तक आपके पास कोई लिटरेरी एविडेंस ना हो या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ना हो, तब तक कोई भी कुछ भी थ्योरी देता रहे लोग उस पर बिलीव नहीं कर सकते। जैसा मैंने आपको जितना भी अभी तक हिस्ट्री में पढ़ाया, मैंने आपको सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ाया। क्यों सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया कि भाई मैं जो बातें बता रहा हूं उस पर आप यकीन करिए, क्योंकि ये यहां लिखा है, ठीक है, ये यहां मेंशन किया हुआ है, कोई चीज हवा में नहीं बता रहा। ठीक, तो ऐसे ही यहां पर जो जो है, ठीक है, उन्होंने जो बताई बातें, ठीक है, तो वो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो जो आप बता रहे हैं, तो जो क्रूक बता रहे हैं, ये इनका कोई लिटरेचर एविडेंस नहीं है। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने तीसरी थ्योरी ये दी कि भैया ये खज्जर और गुर्जर समाज जो जाति जो कही जा रही है, इन्होंने कभी भारत पर आक्रमण किया ही नहीं अकॉर्डिंग टू देम। मतलब ये जो इन्होंने बताया वी ए स्मिथ ने कि भाई खज्जर और गुर्जर जो थी जाति जो थी वो हूणों और सकास के साथ भारत आई थी आक्रमण करने। इन्होंने ये बताया कि ये जो थ्योरी बता रहे हैं आप इसमें सत्य नहीं है, ये खज्जर और गुर्जर नामक जो जाति हैं इन्होंने कभी भारत पर आक्रमण किया ही नहीं। ठीक, अगर अगर इन्होंने भारत पर आक्रमण किया होता तो हूण और कुषाणों में जो साहित्यिक उल्लेख है उसमें इनके बारे में बताया गया होता। भाई अगर ये, ठीक है, देखिए हूण और कुषाण जो भारत पर आक्रमण करने आए थे तो उन्होंने अपना एक साहित्य लिखा। ठीक, अब उन्होंने अपने लिटरेचर में जब इनको मेंशन ही नहीं किया कि भाई गुर्जर और खज्जर को, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जातियां भारत में आई उनके साथ। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई साहित्यिक उल्लेख नहीं है इसका, मतलब इसका कोई लिटररी एविडेंस नहीं है कि खज्जर और गुर्जर जो हैं जातियां ये भारत में आक्रमण करने आई थी। ठीक, अब जैसे अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जो महाभारत है, ठीक है, महाभारत की अगर हम बात करें, ठीक है, तो महाभारत में हूणों के बारे में तो दिया है, ठीक है, मतलब महाभारत में जो है हूणों के बारे में तो दिया है, ठीक है, लेकिन गुर्जरों के बारे में नहीं दिया। तो ऐसा कैसे हो गया कि भाई महाभारत में अगर हम बात करें तो हूणों का उल्लेख है लेकिन गुर्जरों का नहीं है। ठीक, या जो हर्षचरिता थी, ठीक है, हर्षचरिता हर्ष के टाइम पर जो थी, इसमें भी दोनों का जिक्र अलग अलग किया गया है, गुर्जरों का अलग किया गया है और हूणों का अलग अलग किया गया है। ठीक, तो एक तरीके से देखा जाए, ठीक, तो इन्होंने भी इसको इस तरीके से थ्योरी को रिजेक्ट किया कि नहीं भाई ये लोग खज्जर या गुर्जर नामक समाज के नहीं है। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कुछ और बातें भी बताई। ठीक, जैसे इन्होंने बताया कि जो
राजपूत शब्द है, ठीक। देखिए राजपूत जो शब्द है, मैंने आपको बताया था, राजपूत जो शब्द है ये कहां से निकला, संस्कृत शब्द कहां से निकला, राजपुत्र, ठीक, राजपुत्र। अब ये जो राजपूत शब्द है ये किससे निकला है, ठीक, ये राजपुत्र से ही निकला है, ठीक है। अब ये राजपूत शब्द जो है राजपूत से कब निकला है, ठीक है, और इसको राजपुत्र को अगर हम बात करें तो इसको क्या माना गया है, रक्षा करने वाला, मतलब एक तरीके से इसको क्या माना गया, रक्षक, ठीक। अब इसको रक्षक कहां बताया गया है, तो इसको रक्षक बताया गया है अष्टाध्यायी में, ठीक, अष्टाध्यायी, ठीक, अष्टाध्यायी। आप याद करिए पाणिनि की किताब थी संस्कृत ग्रामर की, ठीक, उसमें क्या माना गया है, राजपुत्र शब्द का मतलब माना गया है रक्षक, ठीक है, या ठीक है, राजपुत्र शब्द का मतलब क्या माना गया है, रक्षक माना गया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जितने भी महाभारत में अगर हम बात करें, ठीक है, महाभारत की, ठीक, तो महाभारत में भी जितने लोग जो शत्र शस्त्र वगैरह उठाया करते थे, मतलब जो अस्त्र और शस्त्र चलाने वाले थे, वही राजपुत्र कहा करते थे उनको, ठीक, उन्हीं को क्या कहा जाता था, राजपुत्र कहा जाता था। अगर आप देखें तो महाभारत काल में चाहे कौरव हो, दुर्योधन हो, अर्जुन हो, ये सब शस्त्र चलाया करते थे, ठीक, तो ये क्या थे, राजपुत्र थे, ठीक। और राजपूत शब्द का संस्कृत में निकला ही वर्ड किससे है, राजपुत्र से, ठीक, तो राजपूत एक तरीके से। तो इनकी ये थ्योरी भी इस बात को मानती है कि भैया ये शब्द जब राजपुत्र से निकला है तो ये विदेशी कैसे हो सकते हैं, ठीक, जिसका उल्लेख राजपुत्र का महाभारत में भी दिया है, ठीक, जो रक्षा करने वाले या हथियार चलाने वाले माने जाते थे, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक किताब रही है कल्हड़, कल्हड़, कल्हड़ की क्या रही है, राज तरंगनी, कल्हड़ जो एक पोएट रहे हैं इनकी क्या रही है, राज तरंगनी किताब रही। तो राज तरंगनी किताब में भी ये चीज मेंशन की है कि जो रॉयल फैमिली हुआ करती थी, ठीक है, मतलब जो शाही घराना हुआ करता था, रॉयल फैमिली, उनके उत्तराधिकारी को राजपुत्र ही कहा जाता था, क्या बोला जाता था, राजपुत्र, ठीक। तो राज तरंगनी में ये चीज मेंशन की है कि जो शाही परिवार हुआ करता था उसी को क्या बोला गया, राजपुत्र बोला गया, ठीक, उसी को क्या बोला गया, राजपुत्र बोला गया। तो ये सारी थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं, जो इस चीज को सपोर्ट करती हैं कि राजपूत विदेशी नहीं रहे हैं, भारत के ही रहे। और इनको बताने वाले कौन थे, गौरी शंकर, सी वी वैद्य और हीरा चंद्र ओझा, जिन्होंने बताया कि भैया राजपूतों की जो प्रथा रही है ये क्षत्रियों की प्रथा प्राचीन भारत से चली आ रही। फिर इन्होंने ये भी बताया कि भैया अगर आप ये कह रहे हो कि ये जो हैं क्या कहते हैं इनको ब्राह्मणों ने क्षत्रिय बना दिया, राजपूत बना दिया, तो इसका कोई लिटरेचर एविडेंस नहीं है आपके पास। फिर इसके बाद आपने बताया कि ये जो है हूणों और सकास के साथ, कुषाण के साथ आए थे, ठीक, इसका भी कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजपूत जो शब्द है ये किससे निकला है, राजपुत्र से, ठीक, और अष्टाध्यायी में इस शब्द का मतलब लिखा गया है रक्षक। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, पाणिनि ने, पहली संस्कृत ग्रामर की किताब पाणिनि ने, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो महाभारत में भी जो राजपुत्र हैं वो कौन कहलाते थे, जो शस्त्र वगैरह उठाया करते थे। फिर इसके बाद कल्लड़ ने राज तरंगनी में ये बताया है कि जो शाही परिवार वाले थे ये इनके भी वंशज किसको बोला जाता था, राजपुत्र, ठीक। तो ये सारी थ्योरी बताई जाती है कि जो है इन लोगों का जो है संबंध रहा है, ठीक है, भारत से ही इनका संबंध रहा है, ठीक, क्लियर हुआ ये, ठीक। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तो फॉरेन ओरिजिन को रिजेक्ट किया गौरी शंकर ने, और इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे, सी वी वैद्य, हीरा चंद्र ओझा, ठीक। तो इन्होंने क्या बताया कि भैया राजपूत जो रहे हैं वो भारत के क्षत्रिय रहे हैं। इसके बाद बात करें तो जो इन्होंने थ्योरी दी उसमें यह बताया कि भैया राजपूत और सीथियंस में आपने जो सिमिलैरिटी बताई वो इमेजिनरी है, ठीक है, जबकि इनकी जो हैबिट्स रही हैं वो पहले के समय में जो क्षत्रिय थे, ठीक है, तो उन्हीं के समान रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि कोई कास्ट जो खज्जर और गुर्जर जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, इसका कोई लिटररी एविडेंस नहीं है,
ठीक है। और अगर ये आए थे हूणों और कुषाण के साथ, तो इनके बारे में कुछ मेंशन क्यों नहीं किया गया? ठीक, मतलब इनका जो साहित्य लिखा गया उसी में मेंशन नहीं किया गया खज्जर और गुर्जर के बारे में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि खज्जर और गुर्जर आए थे? ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि महाभारत में हूणों के बारे में तो मेंशन किया है लेकिन गुर्जरों के बारे में नहीं किया, हर्षचरिता में दोनों कास्ट को सेपरेट बताया गया है, तो ये सारा चीज बताती है कि भाई ये जो रहे हैं गुर्जर और खाजार, जो वी ए स्मिथ ने दी थी थ्योरी, ये गलत थ्योरी है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, अगली जो थ्योरी दी राजपुत्र बताया गया किसमें? अष्टाध्यायी में। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हुआ करता था राज ने या प्रोटेक्टर, राक्षक बोला था जिनको मैंने, ठीक है। और राजपूत जो शब्द है वो कहां से निकला है? राजपुत्र से। ठीक, तो राजपुत्र शब्द से ये मतलब निकला है इसका। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो राजपुत्र जो महाभारत में थे, ठीक है, या राज तरंगनी जो कल्लन ने लिखी थी, इसमें इनको बताया गया कि भाई ये रॉयल परिवार के मेंबर रहे हैं जो हथियार वगैरह चलाया करते थे। जैसे आपने देखा हो कि जो राजपुत्र हुआ करते थे उनको शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, महाभारत में आपने ये चीजें देखी हैं। ठीक, इसके अलावा राज तरंगनी में ये चीज मेंशन की गई है। ठीक, तो ये सारी जो चीजें थी ना थ्योरी, ये भारतीय होने का वो बता रही थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया के जो क्षत्रिय थे, ठीक है, वो क्या करते थे? जो फॉरेन की डायनेस्टीज हुआ करती थी, मतलब जो विदेशी थे, जैसे सचे सातवाहन या इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे, ये क्या किया करते थे? मैट्रिमोनियल अलायंस किया करते थे फॉरेन डायनेस्टीज वालों के साथ। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये क्या किया करते थे? अपनी शादी करवाया करते थे शकों से, क्षत्रपों से। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, कुछ लोगों ने ये मान लिया कि ये फॉरनर्स रहे हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं रहा है, भारत के ही क्षत्रिय जो हैं ये विदेशी, जो ये जो विदेशी हुआ करते थे, चाहे सकाज हो कुषाण हो, इनके यहां मैट्रिमोनियल रिलेशन में शादी करवाया करते थे। ठीक है, तो ये ज्यादातर इस चीज को मानते हैं। क्लियर, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो ये राजपूतों की उत्पत्ति थी। ठीक, राजपूतों की उत्पत्ति हमने आज देखी, ओरिजिन। ठीक, इसमें तीन कंसेप्ट थे ओरिजिन के राजपूतों के, एक अग्निकुंड, ठीक, दूसरा हुआ करता था विदेशी फॉरेनर, या तीसरा हुआ करता था इंडियन इंडिजिनस देसी। अग्निकुंड की बात करें तो अग्निकुंड के बारे में किसने बताया? चंद्र बरदाई ने कहा पृथ्वीराज रासो में, इन्होंने बताया कि अग्निकुंड से चौहान निकले और उन्होंने जो वो हुआ करते थे दैत, उनको पाताल लोक तक घसीट दिया। फिर इसके बाद आए विदेशी। अब विदेशी मानने वाले कौन कौन थे? जेम्स ट्रोड, आपको नाम याद रखना है। इसके अलावा विलियम कुक क्रुक, वी ए स्मिथ, डी आर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी जिन्होंने बताया कि भाई राजपूत जो रहे हैं वो विदेशी रहे हैं। इसके बाद फिर भारतीय इतिहासकार भी रहे जिन्होंने वो बताया कि नहीं भाई राजपूत हिंदुस्तानी रहे, जिसमें कौन कौन थे? गौरी शंकर, सी वी वैद्य और हीरा चंद्र ओझा। ठीक, तो इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब कल से हम एक एक करके जितने भी राजपूत वंश के जो डायनेस्टीज रही हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हम जो सबसे पहले जिस वंश के बारे में पढ़ेंगे वो है गुर्जर प्रतिहार। ठीक, गुर्जर प्रतिहार आपने ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में भी सुना है, वो जो गुजरात की तरफ वाले वेस्टर्न वाले, ठीक है, तो उनके बारे में हम सबसे पहले कल पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम चौहान पढ़ेंगे, और फिर गहड़वाल पढ़ेंगे, फिर परमार पढ़ेंगे। ठीक, राजा भोज जो रहे हैं भोपाल वाले, धार वाले, तो वो परमार वंश के रहे हैं। ठीक, तो उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी होगा मैं उस चीज़ को लेकर के रिस्पॉन्ड करूंगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।